आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे जल्द से जल्द प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है, कैसे अपनी फर्टिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा राइट टाइम प्रेगनेंसी के लिए सबसे बेस्ट होगा। जिस ट्रिक्स का इस्तेमाल हम कुछ डॉक्टर्स पेशेंट को समझाने के लिए करते हैं कि कौन सा टाइम जो है उनके लिए सही होगा गाइड करने के लिए, उसी ट्रिक को मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से कपल्स को इसके बारे में क्वेरी रहती है और क्लिनिक के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के द्वारा ही इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो इस ट्रिक को जानने से पहले ज़रूरी है तीन सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें एक है महिला के मेंसुरेशन का जो पैटर्न है वो समझना ज़रूरी है, दूसरा है महिला का जो अंडा जो होता है इसको ओवम बोलते हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है, और तीसरा वो है पुरुष का जो स्पर्म होता है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इन तीनों के ही इर्द गिर्द घूमेगी हमारी ट्रिक, तो हम इन तीनों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महिला के मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो वो नॉर्मली होता है 28 दिन का। तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम की मदद से, तो आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं डायग्राम की मदद से और अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे हम लोगों को गाइड करते हैं, कैसे ट्रिक्स बताते हैं और कैसे निकालते हैं फर्टाइल पीरियड। तो जैसे आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक से लेके पाँच तक दिख रहा है ये मेंस्ट्रुएशन, ये भी नॉन फर्टाइल डेज होते हैं। इसके बाद दिख रहा है आपको छः से लेके दस दिन, दसवां दिन ये भी नॉन फर्टाइल होता है, और वहीं उसके बाद इन 11 से लेके 15 को छोड़ के जितने भी 16 से लेके 28 दिन होते हैं ये ऑल्सो नॉन फर्टाइल डे होते हैं। लेकिन जो ये बीच का जो दिख रहा है आपको, ये वाले 11 से लेके 15 तक, ये होते हैं फर्टाइल डे। इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांस होते हैं प्रेगनेंसी गेन करने के। तो ये तो होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन महिला के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रिगार्डिंग। दूसरी हमने बताई थी कि महिला का जो अंडा होता है, ओवम होता है, उसकी लाइफ कितनी होती है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी लाइफ होती है 12 से लेके 24 घंटे, 12 से लेके 24 घंटे होते हैं उस, वो इतनी ही देर तक जिंदा रह सकता है बाहर आने के बाद गर्भाशय में, 12 से लेके 24 घंटे इतनी ही देर जिंदा रह सकता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पुरुष का स्पर्म होता है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, वो क्यों ज़रूरी होता है। तो उसकी लाइफ है वो है 72 घंटे तक, स्पर्म जो होता है शुक्राणु जिसको बोलते हैं उसकी लाइफ होती है 72 घंटे तक, 72 घंटे तक वो जिंदा रह सकता है बाहर निकलने के बाद 72 घंटे तक। तो जैसे कि मैंने बताया कि 11 से लेके 15 दिन तक फर्टाइल डे होता है, तो इसी को हम जो है सबसे मेन फर्टाइल डे मान के चलते हैं। तो इसमें से मैक्सिमम चांस होता है 14 डे पे, लेकिन मैक्सिमम कपल्स क्या सोचते हैं कि 13 to 14 to 15 डेज तक जो है मैक्सिमम चांस होते हैं प्रेगनेंसी गेन करने के, और वो यही गलती करते हैं। हो सकता है वो 11 को रिलीज हो गया होगा तो बाद में संबंध बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो इसलिए मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ कि 11 दिन पे अगर मान के चलते हैं ना, तो भी आपको 90 दिन पे संबंध बनाने जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया कि स्पर्म की लाइफ कितनी होती है 72 आवर्स। तो 8 से 9 दिन पे आप संबंध बना सकते हैं, अगर वो 11वें दिन पे भी ओवम रिलीज होता है तो तुरंत उसको फर्टाइल कर देंगे और प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो है ओवम, जो अंडा जो होता है महिला का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो महीने में सिर्फ एक ही बार निकलता है और उसकी लाइफ सिर्फ 12 से लेके 24 घंटे होती है, महीने में एक ही बार आता है और 12 से लेके 24 घंटे उसकी लाइफ होती है। लेकिन पुरुष का जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ होती है 72 आवर्स, और एक बार संभोग करने के बाद मिलियंस ऑफ स्पर्म महिला के गर्भाशय में चले जाते हैं। तो ना तो टाइम की कोई कमी है स्पर्म में और न ही संख्या में कमी है नॉर्मल हेल्थी पर्सन में, लेकिन महिला अगर कितनी हेल्थी होगी उसकी लाइफ अंडे की होगी 12 से 24 घंटे की। इसलिए सबसे ज़्यादा सेंटर पार्ट हो जाता है इन सारी प्रोसेस में, वो है महिला का ओवम। इसीलिए ऐसे एडवाइस किया जाता है कि आप 8 से 9 दिन से शुरू करें
और हर दूसरे से तीसरे दिन, लास्ट तीसरे दिन आप संबंध बनाएं। दूसरे दिन बनाते बहुत अच्छी बात है, अगर रेगुलर बना सकते हो एवरी डे 9 से लेके 15 दिन तक, आप 16 दिन तक संबंध बनाते हो तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लाइफ में लोग बिजी होते हैं, इतना कुछ कर नहीं पाते, इस वजह से सेकंड या लास्ट थर्ड डे, इससे ज़्यादा नहीं तो संबंध बनाए आप 9 से लेके 16 दिन तक, आप हर दूसरे से तीसरे दिन तो एटलीस्ट संबंध बनाए। इससे क्या होता है, स्पर्म होता है उसकी लाइफ होती है 72 घंटे, ओवम की लाइफ जो होती है अंडा उसकी होती है 12 से 24 घंटे। जैसे ही वो ओवेरी से बाहर आएगा उसको फर्टाइल कर देगा और प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। तो यही एक बेसिक ट्रिक है जिसकी मदद से आप प्रेगनेंसी को होने के चांस बढ़ा सकते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और यही ट्रिक हम अपनाते हैं हमारे पेशेंट्स को, उनकी पता करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन की है और हम निकालते हैं फर्टाइल डे और उसी के हिसाब से हम एडवाइस करते हैं कि कितने दिन में, कितनी फ्रीक्वेंसी में उनको संबंध बनाने जरूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।